कैसे हैं आप सब लोग, दिस इज हनुमान सिंह लोधी एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल। दोस्तों आज हम एक जनरल वीडियो पे बात करने वाले हैं और वो है गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज, जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जो फीस को फिल नहीं कर पा रहे, समय पे वो नहीं भर पा रहे, इससे उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और बहुत सारे उनके क्वेश्चन हैं कि आखिरकार जो फीस भरने की जो प्रोसीडिंग है वो क्या है। क्योंकि कोविड-19 के कारण बच्चे थोड़े, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी बाहर हैं, अपने घर पर हैं और इंदौर नहीं आ पा रहे, तो उनके बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं कि क्या हमारे लिए कॉलेज आकर ही फीस भरनी होगी और यहाँ से फॉर्म लेना होगा। तो सबसे पहले हम प्रोसीडिंग की बात करेंगे कि क्या है वास्तव में प्रोसीडिंग, क्योंकि एक सही गाइडेंस की कमी हो रही है, क्योंकि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कि आखिरकार कैसे इसकी पूरी जो प्रोसेस है वो क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लिए अब सेकेंड ईयर की जो फीस भरना है, सबसे पहले उसके लिए हमें कॉलेज से एक फॉर्म लेना पड़ेगा और वही फॉर्म मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये फॉर्म है, उस फॉर्म के साथ आपको स्लिप भी मिलेगी। स्लिप मिलेगी, स्लिप जो है इसमें आपको, यदि आप फीस ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो आपके लिए ये लेना जरूरी है, और यदि आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो आप स्लिप भी ना लें तो कोई दिक्कत नहीं। और एक फॉर्म है जो आपको ₹125 का कॉलेज से प्राप्त होगा और इस फॉर्म को आपको फिल करना है। इसमें सारी जानकारी दी हुई है, आपको अपना नाम, फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, ये सभी चीज़ें जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इसमें भरनी है। अब दूसरी हम बात करते हैं कि हमारे लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या होंगे, जो रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी 10th 12th की जो मार्कशीट है उसको लगाना है, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की जो आपकी मार्कशीट है उसको भी लगाना है, और आधार कार्ड, आपका आय प्रमाण पत्र जाति और आपकी जो फैमिली आईडी है उसको भी आपको लगाना है, और आपका जो अकाउंट नंबर है उसको भी आप लगाएं, क्योंकि आपकी जो स्कॉलरशिप है उसी में आती है। अब फीस भरने के दो तरीके हैं, सबसे पहले आप या तो ऑनलाइन फीस भर सकते हैं, आपको अकाउंट नंबर दिया है कॉलेज का तो आप वहाँ ऑनलाइन ई पेबेस के माध्यम से आप फीस भर सकते हैं। दूसरा, आप कॉलेज आइए और यहाँ से फॉर्म लीजिए और इस फॉर्म के साथ ये स्लिप लीजिए, और इस स्लिप से आप बैंक जाके होलकर की जो ब्रांच है वहाँ जाके आप इसे भरें, और जो ₹14,500 में फीस भरना है वो आप भर सकते हैं, और जो आप डॉक्यूमेंट्स इसमें जो जो लगाएंगे उसके साथ आपको ये एक स्लिप इसकी इसमें लगानी पड़ेगी। और उसके साथ आपको दो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट हैं आवश्यकता है, सबसे पहले जो आपने जो ₹500 की जो फीस भरी थी उसकी स्लिप भी आपको एक लगानी है, और साथ ही साथ यदि आप ऑनलाइन फीस भरते हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन की जो रसीद है उसको लगाना है, या फिर यदि आप ऑफलाइन फीस भरते हैं तो इसकी एक स्लिप आपको फॉर्म के साथ लगानी है। ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस है, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं सभी बहुत ही, उनका बिजी शेड्यूल चल रहा है और उन पर भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं, उनके सामने भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसकी वजह से वो हमें समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि कोविड-19 के कारण उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं, बहुत सारे काम आ चुके हैं उनके पास। तो मैंने सोचा कि सभी को एक सिंपल सी जानकारी दे दूँ, जिससे सभी जो बच्चे जो परेशान हो रहे हैं उनके लिए एक एटलीस्ट एक अच्छा गाइडेंस मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।